के विद्यार्थी मोर्चा के छात्रों ने 3 सूत्री मांग को लेकर जामतरा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय प्रोफेसर अजय राज खालको को सौंपा ज्ञापन। यह तीनों मांग वर्तमान समय में छात्रों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अहम भूमिका निभाएगा, इसलिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का यह तीनों मांग काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के छात्रों के शिष्टमंडल ने उक्त महाविद्यालय के प्रिंसिपल महोदय से मिलकर इन तीनों बिंदुओं पर गंभीरता से अपनी बातें रखी हैं। 3 सूत्री मांगों में पहला मांग है, पुस्तकालय का निर्माण हो चुका है, इसे जल्द से जल्द पठान शुरू किया जाए ताकि समय रहते छात्र अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। दूसरा मुद्दा के रूप में विद्यार्थी द्वारा कहा गया है कि बाजार का साइबर कैफे में विद्यार्थियों द्वारा मनमानी फीस वसूला जाता है, इसलिए यह कैफे महाविद्यालय में हो जिससे विद्यार्थियों को उचित मूल्य पर काम होगा। साथ ही भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के जिला संयोजक विक्रम दास ने प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन किया है कि जामतरा में बीएड भवन बनकर तैयार है, पर बीएड की पढ़ाई प्रारंभ नहीं हुई है, अतः बीएड की पढ़ाई जल्द से जल्द प्रारंभ हो ताकि जिले के विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई करने के लिए अन्य जिला ना जाना पड़े। विद्यार्थी मोर्चा के इन सभी तीन मांगों के अनुरोध पर जामतरा के प्रधानाचार्य महोदय प्रोफेसर अजय राज खालको द्वारा विद्यार्थियों के साहसिक कदम को सराहनीय बताया है और सभी छात्रों को आश्वासित किया है कि बहुत जल्द ही आप लोगों के मांगों के संदर्भ में कार्रवाई शुरू करेंगे। प्रधानाचार्य प्रोफेसर अजय राज खालको महोदय के इस आश्वासन पर सभी छात्रों ने प्रधानाचार्य महोदय को धन्यवाद संप्रेषित किया है। चाहते हैं कि यहाँ लड़का जो बोले फ्री टाइम में घूम रहे हैं वो कम से कम फ्री टाइम इधर उधर घूम ना करके पांच ही लाइन पर। सर और एक ये है समस्या है कि ये जो ऑनलाइन करता है तो ऑनलाइन करते वक्त कैफे वाला या स्टूडेंट के द्वारा गलती हो जाती है या तो डेट ऑफ बर्थ या नाम में एक दो स्पेलिंग आगे पीछे हो जाता है। उसमें क्या होता है कैफे में लड़के दे रहे हैं एक साथ 4 पेज दे करके चले गए घर, कैफे वाले पैसे भर रहे हैं वो कितना स्पेलिंग जानते हैं उसका नाम क्या तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सुझाव अच्छा है, मांग अच्छा है, कैफे होना चाहिए ताकि जो भी गड़बड़ी हो उसका सुधार भी यहीं से संभव हो। इसलिए जो इस पर है सोच ही रहे थे, बड़ा तो सोच है ये बहुत सारे स्टूडेंट का, लेकिन इसके साथ साथ मेरा भी एक मान है वहाँ पर यदि कोई नोटिस देते हैं उस नोटिस का अनुपालन विद्यार्थी को भी करना है। बिल्कुल सर, क्योंकि यदि कोई लड़का हम जब बोल रहे हैं कि ड्रेस में आना है और ड्रेस में नहीं आता है विद्यार्थी हम भी उसका नहीं सुनना है। जी बिल्कुल जरूरी है, ड्रेस को क्योंकि अब और एक सिस्टम बना रहे हैं तो हर कार्ड लड़के को गले में टांगने के लिए यहाँ से ड्रेस प्रोवाइड करेंगे। सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट का गले का पत्ता अलग रंग का होगा, 2 का अलग होगा, सबका अलग रहने को मैं ड्रेस का अलग होगा, इससे डर के पहचान ना जाने की कोशिश क्योंकि सीनियर द्वारा जूनियर स्टूडेंट को लेक्चर किया जाता था। यह चीज़ हम जानते हैं कि यहाँ जिस संस्थान का अनुशासन नहीं रहेगा ना वहाँ ना तो हम का काम कर पाएंगे या स्टूडेंट का काम कर पाएंगे। जितना हमसे संभव होता है हम एक स्टूडेंट को इंटरटेन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि किसी को कोई समस्या ना हो। उसी सिंसियरिटी से स्टूडेंट को भी रहना है। अरे क्या होता है बहुत लड़का को अपना सिलेबस पता नहीं, सेमेस्टर 1 में हम दिए हैं और सेमेस्टर 6 में पूछता है कि सर मेरा पेपर कौन उठा है, अरे भाई तुमको दे दिया तो समझना है तुमको सिंसियर रहना, तुमको तुम्हारा रोल नंबर पता नहीं है, यूजर ID पासवर्ड पता नहीं है तुम्हारे पास। मान लो इतने तुम लोग आए हो 10 लड़के, 2 लड़के के पास स्मार्टफोन है, अरे तुम लोग अच्छा कॉम्बिनेशन है तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो तुम बोलोगे उसको कि जरा देखें तो मेरा, तुम लोग अपने देख सकते हो कहीं पे भी, जरूरत पड़ा तो प्रिंट कहीं पे निकलवा सकते हो, सब चीज़ घर